अस्सलाम मिन शैतान रजीम। आज हम बना रहे हैं भुरता बैंगन का। हमने भरते के लिए 6 बैंगन लिए हैं, आधा किलो बैंगन, 6 हरी मिर्चियाँ, एक छोटी कटोरी लहसुन, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी कोथमीर, आधा नींबू, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तेल हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अभी हम ये जो ग्रीन मसाले हैं इनको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं पहले शुरू, ठीक है। लहसुन, जीरा और हरी मिर्च, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें से जो आधा नमक है ना, 2 चम्मच में से आधा, 1 चम्मच नमक हम इसमें पीसने में लेंगे और 1 चम्मच नमक हम बाद में डालेंगे। इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। अभी हम इसमें कोथमीर डालकर इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेकर को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें हम तेल डालेंगे। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। हमने जो हरा मसाला बना कर रखे थे उसको हम तेल में डाल देंगे पूरा के पूरा। बैंगन चूंकि हमने पहले ही भून कर लिए हैं इसलिए रेसिपी को ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल में मिला लीजिए और इसमें फौरन ये बैंगन है ना ये डाल दीजिए। बैंगन को हमने साफ धोकर आग पर भून लिया था, उसमें कट लगा दिए थे ताकि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, और फिर वो बैंगन हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए ये बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हरे मसाले को हमको सब तरफ से बैगन पर लपेट लेना है इस तरह से। इसके बाद जो बचा हुआ नमक था हम वो इसमें डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे। इसको हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है और बैगन को तोड़ना भी नहीं है। ये ऐसे ही फ्लेवर देता है बहुत अच्छे। ज्वार की रोटी, फुलका, गेहूं की रोटी, तंदूरी रोटी, इन सबसे ये सालन बहुत मज़ा देता है। अभी हम एक आधा नींबू जो लिए थे उसका रस हम इसमें निचोड़ देंगे। एक से 2 मिनट ही हमको बस इस पर हिलाना है अच्छे से ताकि लहसुन जो हमने पीसा उसकी वो इसमें से चली जाए। बस हमको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसी तरह से कच्चा कच्चा भरता बहुत ही टेस्ट देता है। ये देखिए थोड़ा सा पकने के बाद इसको अच्छे से हम हिला ले गए, तो ज़्यादा नहीं 2 मिनट ही हमको पकाना है। इस तरह से भी नीचे भुनने लगेगा और तेल छोड़ने लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ बैंगन का ही पानी है और मसाले का। देखिए इस तरह से जब तेल छूटने लगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलिए अच्छे से निकाल कर इसको सर्व करते हैं रोटियों के साथ। ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है।
ये देखिए हमारा बैंगन का भरता बहुत ही लजीज भरता तैयार हुआ है। आप इसको रोटी, जवारी की रोटी, तंदूरी रोटी, चावल की रोटी, किसी भी रोटी से खा सकते हैं। ये बहुत मज़ा देता है। इसी तरह के सादे और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।